Hey guys, welcome back to the channel. तो कैसे हो आप लोग? Myself Abhijit. I welcome to the new series of the log. You got the idea. You can see in my back the beautiful beaches of the Goa. So Goa से start करने वाले हैं. जो आने वाले video, it's going to be very interesting. So watch completely. So अभी अपन पहुंच चुके हैं at the capital of the Goa, Panaji. So पहले जाते हैं hostel. वहाँ पे checking करते हैं. उसके बाद make the plan of the exploration. So, मिलते हैं रेडी होने के बाद. सो फ्रेंड्स, अभी अपन हो चुके हैं रेडी बिल्कुल. सो चलने के लिए तैयार है टू एक्सप्लोर द गोवा एंड नियर बाय बीचेस एंड ऑल. सो अभी अपन हॉस्टल से जस्ट निकले या फिर अपन चेक करना है अभी जो बाइक रेंटल्स में मिलते हैं गोवा में. सो बाइक रेंटल का जो चेक करते हैं कहाँ पे मिलेगा. फ्रेंड्स, आज का जो एक्सप्लोरेशन करने वाले अपन गोवा का, वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. सो गोवा एक इंडिया का स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. सो ये आता है साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो कि कनेक्ट करता है अरेबियन सी को. सो फ्रेंड्स, यहाँ का जो लैंग्वेज है वो है कोंकणी. गोवा को महाराष्ट्र एंड कर्नाटक का जो बाउंड्री है दो स्टेट का वो कनेक्ट करता है. गोवा इज फेमस फॉर इट्स बीचेस, इट्स चर्च, इट्स गोवन क्विजिन. टिल 1961 यहाँ पे फ्रेंड्स पुर्तुगीज जो कॉलोनी थी, इट इज़ अ पुर्तुगीज कॉलोनी टिल 1961. सो 1961 के बाद में ये इंडिया में मर्ज हुआ. इट इज़ बिकम अ इंडियन स्टेट इन 1987. सो और एक बात, गोवा में अराउंड देर आर टोटल 35 बीचेस एंड 8 to 10 आर क्वाइट फेमस, जैसे कि कलंगूट, बागा, अंजुना, मोरजिम, अगोडा फोर्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स. और मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स है पुर्तुगीज जो कल्चर अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है. और यहाँ का जो फूड है गोवन फूड इज़ क्वाइट फेमस, जो आपको गोवन करीज वगैरह जो मिलेंगी, यहाँ का जो जैकुजी है, पोर्क विंडालू एंड ऑल. सो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी. जो यहाँ का टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, इट इज़ क्वाइट टिपिकल जो अपन कोस्टल एरिया में देखते हैं. सो इट इज़ क्वाइट ह्यूमिड रहता है टेम्परेचर यहाँ का. सो ये कुछ जानकारी थी गोवन स्टेट के बारे में. सो अभी अपन एक्सप्लोर करेंगे आज यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो फूड है, यहाँ का जो बीचेस है, नाइट लाइफ है. जो सीरीज़ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप पूरा देखिए सीरीज़. तो अपन चलते हैं अभी बाइक रेंटिंग के लिए, देखते हैं वहाँ का जो रेंट वगैरह कितना होता है और बाइक रेंट करने के बाद अपन एक्सप्लोर करेंगे गोवा को आज पूरा. सो चलते हैं फ्रेंड्स आगे. सो फ्रेंड्स, करंटली वी आर एट द फेमस कैफे बैंगलोर ऑफ पणजी. मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इट्स अ फेमस कैफे साउथ इंडियन फूड. सो अपने ले लिया अभी राइस, यहाँ का जो फेमस आलू राइस है, ट्राई करेंगे और फिर आगे जाएंगे. राइस रेंटेड बाइक अपन ने ले लिया है, इट इज़ 400 रुपये पर डे के हिसाब से दो दिन के लिए. सो अभी अपन जा रहे हैं मीरामार बीच की तरफ, जो फर्स्ट बीच अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं गोवा का. सो दोस्तों, यहाँ पे हेलमेट जो कंपलसरी है, सो हेलमेट लगा के ही आप अगर बाइक ड्राइविंग करना चाहते हैं, सो हेलमेट इज़ कंपलसरी इन गोवा. सो चलते हैं आगे. सो गाइस, करंटली वी आर एट द मीरामार बीच ऑफ पणजी. सो जो हॉस्टल था अपना, इससे बहुत नज़दीक डिस्टेंस है इसका, मीरामार बीच का. सो जो फर्स्ट बीच अपन कवर करने वाले फ्रेंड्स, इट इज़ मीरामार. और उसके बाद इसके जो बाजू में है डोना पोला. सो ये दो अपन कवर करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपन साउथ, सॉरी नॉर्थ गोवा. सो नॉर्थ गोवा के जो फेमस बीचेस है फ्रेंड्स और वहाँ के जो पार्टी डेस्टिनेशन है वो अपन करेंगे एक्सप्लोर. सो आप देख सकते हैं यहाँ का जो एरिया है फ्रेंड्स मीरामार का. चलते आगे फ्रेंड्स. जो टेम्परेचर है अभी करंटली, इट इज़ 29 डिग्री सेल्सियस, बट बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी इट इज़ फील लाइक 32 डिग्री सेल्सियस. सो क्वाइट हॉट टुडे, तो इसलिए कैप इज़ मस्ट. सो सामने आप देख सकते हैं, दिस इज़ द मीरामार बीच एंड द एरिया. सो यहाँ का जो सैंड है फ्रेंड, आप देख सकते हैं, इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल. और आफ्टरनून का टाइम है इसलिए जो क्राउड है वो बहुत कम है. एट द इवनिंग टाइम इट इज़
रश। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाटर एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी इस बीच एरिया में, जैसे कि डॉल्फिन राइड, बनाना राइड, स्की बोटिंग एंड ऑल, सर्फ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, सर्फिंग एंड ऑल। सो ऐसा कुछ यहाँ का बीच है फ्रेंड्स, मीरामार का, यू कैन सी। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बीच साइड पे आफ्टरनून टाइम पे बहुत कम रश है। सो जो बीच है फ्रेंड यहाँ का, इट इज़ क्वाइट क्लीन एज कम्पेयर टू अदर बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा। सो आई रिकमेंड यू टू डू विजिट हियर इफ यू कम हियर इन पणजी। इट इज़ एट द सिटी सेंटर पॉइंट मीरामार बीच, और उसके नियर बाय और एक पॉइंट है फेमस, इट इज़ डोना पोला, उधर भी अपन जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स गोवा के बारे में आपको थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का बता देता हूँ मैं। देर इज़ एम्पल ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन गोवा। आपको गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बसेस मिल जाएंगी इफ़ यू हैव टू विजिट इन द इनसाइड द सिटी। देर आर रेंट बाइक्स, रेंट कार्स आर अवेलेबल। जो आपको बाइक मिलेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 300 रुपीज़ एंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, और बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ को मिल जाएंगे। अगर आपको रेंट पे चाहिए और आपको एक्सप्लोर करना है गोवा फुल्ली, सो आप कर सकते हैं रेंट पे बाइक्स नहीं तो फिर कार लेके। उसके बाद यहाँ पे जो सस्ते होटल्स वगैरह है फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल बैकपैकर हैं, अगर आप सोलो ट्रैवल है, सो देर आर एम्पल ऑप्शंस ऑफ होस्टल्स आर अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 300 रुपीज़ पर डे ओनली। सो बैकपैकर्स के लिए इट इज़ अ गुड डेस्टिनेशन टू ट्रैवल एंड विजिट। सो आप यहाँ पे आ सकते हैं फ्रेंड्स, आई रिकमेंड टू विजिट। और जो बेस्ट टाइम होता है इट इज़ फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। सो यहाँ पे उस टाइम में आप, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा। सो फ्रेंड्स गोवा के जो 37th नेशनल गेम्स है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 26 अक्टूबर टू 9th ऑफ नवंबर, सो जो उसका डेस्टिनेशन है फ्रेंड वो इधर ही होने वाले नेशनल गेम्स ऑफ गोवा। आप देख सकते हैं एट द बीच साइड ऑफ मीरामार। सो जो तैयारी चल रही है फ्रेंड यहाँ की, आप देख सकते हैं मेरे पीछे नेशनल गेम्स की। सो फ्रेंड्स करंटली वी आर एट द फेमस डोना पोला बीच, और आप देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू पॉइंट है मेरे पीछे डोना पोला जेट्टी का। सो दिस इज द फेमस प्लेस वेयर द फेमस शूटिंग ऑफ द सिंगम मूवी इज शूट, जहाँ पे अजय देवगन गुंडों को दौड़ दौड़ के मारता है फ्रेंड, वो आपने देखा होगा मूवी में सिंगम में। सो ये सेम पॉइंट है, इधर शूटिंग हुआ था सिंगम का। जो फी है एंट्री फी टू गो टू द साइट सीइंग पॉइंट, जो आप इसे देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं डोना पोला का जो साइट सीइंग पॉइंट है, इट इज़ 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 25 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस। अगर आप देखना चाहते हैं वहाँ से जो व्यू पॉइंट है, सो 50 रुपये देके आप जा सकते हैं आगे, यहाँ का जो फेमस डोना पोला का पॉइंट है जेट्टी का, और दिस इज़ द बीच डोना पोला। तो फ्रेंड दिस इज़ द सेम पॉइंट वेयर द शूटिंग इज हैपन ऑफ सिंगम। सो फ्रेंड्स एट द डोना पोला बीच साइड यू गेट द लोकल मार्केट, सो यहाँ पे आप कपड़े हैट्स वगैरह ले सकते हैं। फ्रेंड्स डोना पोला कवर करके अपन जाने वाले अभी टूअर्ड द नॉर्थ गोवा टू एक्सप्लोर द फेमस बीचेस एंड चर्चेस ऑफ द गोवा। अगर टाइम मिला सो अपन ही आगे जो फोर्ट्स है वो भी कवर करेंगे आज। तो देखते हैं चलते आगे अभी, स्टे ट्यून फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी अपन जा रहे हैं ओल्ड गोवा की तरफ टू कवर द मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट चर्च ऑफ द गोवा, बेसिलिका डी गोवा। सो ये आता है ओल्ड गोवा में टूवर्ड द फोंडा।
तो फ्रेंड्स मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इट इज़ द ओल्ड चर्च म्यूजियम एट द ओल्ड गोवा। इट इज़ ऑन द वे टूअर्ड द बेसिलिका बॉम दी गोवा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पोर्तुगीज आर्किटेक्चर है, क्योंकि 1961 तक दोस्तों यहाँ पे पोर्तुगीज लोगों का शासन था। सो फ्रेंड्स इन माई बैक यू कैन सी द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इट इज इन द ओल्ड गोवा विच इज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज एट देयर टाइम। सो फ्रेंड्स दिस इज द रोमन कैथोलिक चर्च, यू कैन सी इज वेरी ब्यूटिफुल। सो इट इज अ रोमन कैथोलिक चर्च इन इंडिया गोवा। सो इट इज कंस्ट्रक्टेड इन 1594 एंड इज कम्प्लीटेड इन 1605। So around 700 year old church, it's quite beautiful. It is Roman Catholic church. So the architecture you can see, it's quite beautiful. The Roman Catholic church of Basilica of Bom Jesus. So friends, अगर आपको Portuguese architecture वगैरह देखना है, the old buildings and all of their architecture, their culture, so you can visit the old Goa. डेफिनेटली इट इज़ अ क्वाइट सीरीन एंड सेक्युलेंट प्लेस, और जो हसल बसल है गोवा का मेन उससे काफ़ी दूर है। सो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इट इज़ अराउंड 16 किलोमीटर फ्रॉम पणजी। सो यहाँ पे बहुत सारे चर्चेस और जो प्रार्थना स्थल है फ्रेंड्स ओल्ड, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ओल्ड गोवा में। ओल्ड गोवा इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज एट देयर टाइम एज आई कैन सेड बिफोर। सो करते हैं अभी यहाँ का जो चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस उसको एक्सप्लोर नज़दीक जाके। फ्रेंड्स वी जस्ट कम्प्लीटेड द टूर ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इट इज़ वेरी गुड। द एंट्री फी इज़ ₹20 एंड द म्यूजियम टिकट प्राइस इज ₹10, बट इट इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग एंड आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा अबाउट द हिस्ट्री एंड ऑल। सो यू कैन विजिट अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद है फ्रेंड्स, प्रार्थना स्थल वगैरह विजिट करना, सो आप यहाँ पे आ सकते हैं ओल्ड गोवा में। सो फ्रेंड वन मोर पॉइंट, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट विच वॉज बिल्ड इन 1594 एंड इट इज़ कम्प्लीटेड इन 1605 ईयर। सो इट इज़ 600 to 700 ओल्ड मॉन्यूमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो दोस्तों गोवा के बारे में अगर डेमोग्राफी अपन चेक करेंगे, सो गोवा में देर आर टू इम्पॉर्टेंट रिलीजन, हिंदुइज़म एंड क्रिश्चियनिटी, and the total area of Goa is 3702 square kilometer. So yahan pe dono jo religion hai friend, Christianity and Hinduism, so iske jo worship places hai wo aapko bahut sare yahan pe mil jayenge Goa mein।